अगर तुम एक 2GB, 3GB या फिर 4GB रैम के फोन में खेलते हो तो कभी ना कभी तुम्हें फोन में लैगनेस तो देखने को जरूर से मिला होगा। एंड इस टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया होगा कि यार मेरा डिवाइस इतना खराब क्यों है। सो अगर तुम्हारा अभी भी फोन कभी कभी लैग करता है या फिर कोई भी दिक्कत होती है गेम खेलते टाइम, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम आपको ऐसे एंड्रॉयड के सेटिंग्स बताने वाले हैं जिसे करने पर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी हद तक एनहांस हो जाएगा। ये जो सेटिंग्स होते हैं ये हर एंड्रॉयड फोन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन तुमने शायद इसे कभी ट्राई नहीं किया या फिर तुम्हें नहीं पता होगा। सो इस वीडियो में हम तुमको वो सारे सेटिंग्स बताएंगे जिसे यूज करके तुम अपने गेम के परफॉर्मेंस को यानी आपके फोन के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर लेना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, हमारे इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचते रहेंगे। सो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सो पॉइंट नंबर 1 पे तुम्हें अपने फोन के कुछ अननेसेसरी एप्स को रिमूव करना है, या फिर अगर तुम कोई भी गेम बूस्टर ऐप को अगर तुम यूज करते हो तो उन गेम बूस्टर ऐप्स को फोन से डिलीट करो जितनी जल्दी हो सके। अगर तुम एक बूस्टर ऐप को यूज करोगे तो ये क्या करेगा कि गेम प्ले के दौरान तुम्हारे बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स रनिंग हो रहे होंगे ना, उन सारे ऐप्स को ये क्लोज कर देगा। लेकिन ये खुद भी एक ऐप है तो ये भी बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिस वजह से तुम्हें गेम प्ले के दौरान थोड़ा बहुत लैगनेस देखने को मिलता है। सो कभी भी इन बूस्टर ऐप्स को यूज मत करना, क्योंकि ये बूस्टर ऐप्स जो काम करते हैं वही काम तुम मैनुअल सेटिंग से कर सकते हो अपने फोन के सेटिंग में जाकर। वो कैसे, चलिए बताते हैं। हर एक फोन में बहुत सारे ऐप्स रनिंग करते हैं बैकग्राउंड में, चाहे तुम गेम प्ले करो या फिर कुछ और, हमेशा कुछ ना कुछ ऐप्स चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो भी बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स चल रहे थे उन सभी को हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इस सेटिंग को यूज करके, ताकि हमारा फोन सिर्फ हमारे गेम को प्रोसेस करे और हमें गेम में बिल्कुल भी लैग देखने को ना मिले। सो इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने फोन के सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें नीचे जाना है एंड यहाँ पे देखना है तुम्हें कहाँ पे मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट, जैसे मेरा यहाँ पे है। सो यहाँ पे तुम लोग सेट कर सकते हो कितने ऐप्स तुम लोग बैकग्राउंड में रनिंग करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 कर लेता हूँ ताकि हमारा सिर्फ गेम चल सके, बाकी का कोई भी बैकग्राउंड में ना चले। सो ये सेटिंग करने के बाद आपके फोन का जो CPU होगा वो सिर्फ गेमिंग के लिए चलेगा, यानी आपके गेम को एनहांस करेगा, बूस्ट करेगा और आप अच्छे से गेम प्ले कर पाएंगे। सो नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं जो कि है फोर्स GPU रेंडरिंग। तो ये भी आपको डेवलपर ऑप्शन पे ही मिल जाएगा, और इस सेटिंग को करने पर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा चलो बात करते हैं। हर एक फ़ोन में CPU के साथ GPU का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि तुम अच्छे से गेम खेल सको, और इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद ये GPU को फोर्स करेगा इसके फुल लिमिट पर प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी इसका जो कैपेसिटी होगा ये मैक्सिमम लेवल तक उसे करने के लिए पुश करेगा। इसे करने के बाद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक एनहांस हो जाएगा, क्योंकि ये आपके फ़ोन के GPU को इसके फुल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाने के लिए पुश करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, यार जब भी तुम गेम खेलते हो अगर तुम्हारे फ़ोन में गेम मोड नहीं है, यार गेम मोड दिया जाता है बहुत सारे डिवाइस में से दिया जाता है, लेकिन जो थोड़े पुराने डिवाइस है उसमें गेम मोड नहीं दिया जाता, और जिन डिवाइस में गेम मोड नहीं दिया जाता ना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यार गेम खेल रहे हो और ऊपर से व्हाट्सएप का मैसेज आ गया या फिर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अनोइंग नोटिफिकेशन आते हैं जिस वजह से तुम अच्छे से गेम नहीं खेल पाते, और इन्हीं सब नोटिफिकेशन आने की वजह से तुम्हारा गेम जो है वो काफ़ी हद तक लैग करता है, क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना तो सामने आ जाते हैं, कभी कभार तुम मार भी नहीं पाते। सो इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या करें? अगर तुम्हारे फ़ोन में गेम मोड नहीं दिया गया है, जो कि गेम मोड दिया जाता है सिर्फ नोटिफिकेशन को ब्लॉक करवाने के लिए या फिर आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, अगर वो आपके फ़ोन में नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आप मैनुअली सेटिंग कर सकते हो। उसके लिए सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और ऐप्स में जाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यार जो भी ऐप्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आते होंगे क्योंकि तुम बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन हुए होंगे, उन सारे एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन आपको क्लोज करना पड़ेगा ताकि आपको एक भी नोटिफिकेशन आके डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ब्लॉक कर लोगे उन सारे नोटिफिकेशन को इसी ऐप से, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक ऐप का बंद कर लिया, इसी तरीके से तुम्हें जो भी एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं उन एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन को इस तरीके से तुम क्लोज कर लेना, फिर आपका एक भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और तुम बिंदास गेम खेल पाओगे। सो फाइनली बात करते हैं आखिरी टिप की। सो गाइस जब भी तुम्हारा चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है ना, जब भी गेम खेल रहे हो चार्ज तुम्हारा थोड़ा कम हो गया तो तुम बैटरी सेवर ऑन करके खेलते हो, ये गलती कई लोग करते हैं मैंने देखा है। बैटरी सेवर को ऑन करने से तुम्हारे बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस रुक जाते हैं जिस वजह से तुम्हारा गेम में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है।
सो कभी भी जब भी तुम गेम खेल रहे हो उस टाइम पे बैटरी सेवर को यूज मत करो, अगर तुम यूज करते हो ना तो तुम्हारे लैग तो जरूर होगा। सो गाइज इस वीडियो में ये सारे सेटिंग्स थे जो तुम यूज करके अपने फ़ोन को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो, अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो और ये सेटिंग्स तुमको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।